दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। यह है हवा महल, जो राजस्थान जयपुर का आन बान शान यानी धरोहर के लिस्ट में ऐतिहासिक स्थानों में से एक है, जो इसे धरोहर के लिस्ट में रखा गया है। आज हम यहाँ जानेंगे जो यहाँ का टिकट प्राइस क्या है और यहाँ के कुछ ऐतिहासिक तत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जितने भी ऐतिहासिक स्थानों पर वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों देख सकते हैं जो कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, और मैं राजस्थान जयपुर आ चुका हूँ, और मैं यहाँ का जो बहुत सारे ब्लॉग इतिहासों से रिलेटिव चीज़ हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहे, अंत तक वीडियो देखें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, जैसे हवा महल का जो है मेन गेट से एंट्री लेते हुए यहाँ पे अब टिकट भवन की तरफ चलते हैं, जहाँ टिकट मिलते हैं, टिकट काउंटर। तो दोस्तों यहाँ का यहाँ के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, देख सकते हैं 1803 ईस्वी तक में ये बन के कम्प्लीट हुआ था, 1799 में ये बना हुआ था। और ये रहा टिकट घर। तो यहाँ से टिकट दोस्तों सिर्फ आप ऑफलाइन ले सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों 1778 से 1803 ईस्वी तक बनने में इसका टाइम लगा था। और दोस्तों यहाँ पे जो है ये रहा काउंटर हवा महल का, जो कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गया था जब मैं गया था तो, क्योंकि यहाँ पे टिकट जो है मिल नहीं रहा था, बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, क्योंकि हर जगह जितना भी है ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, हर जगह टिकट ऑनलाइन मिलते थे और यहाँ पे लंबी लाइन लगे हुए थे। इसलिए आज संडे था, इसलिए जो है बहुत लंबी लाइनें देख रहे हैं। एक घंटा में टिकट मिला था यहाँ पे, और टिकट के बात करें तो 50 रुपया टिकट प्राइस है इंडियन टूरिस्ट के लिए, और विदेशी टूरिस्ट की बात किया जाए तो 550 रुपया है। और दोस्तों बात करें, ये रहा टिकट का जो आप लिस्ट रोक करके पढ़ सकते हैं। कंपोजिट टिकट का बात करें जो आमेर किला और जो है नाहरगढ़ किला सब, अगर कंपोजिट एक साथ टिकट लेना चाहते हैं तो 1000 रुपया पड़ेगा आपको, और जो है 2 दिन का वैलिडिटी रहेगा, 2 दिन तक आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही।